कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का पढ़ाई से मन हटने लगता है, एकाग्रता नहीं बन पाती, बहुत प्रयासों के बाद भी पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता, इसी कारण से वे पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। यदि ऐसा कुछ भी होता नजर आए तो होशियार हो जाएं। समय रहते कुछ उपायों को करने से पढ़ाई में मन लगने लगता है, उत्साह का सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो नवग्रहों के रंग के अनुसार, जैसे बुध का हरा, गुरुवार का पीला आदि, नौ सुलेमानी हकीक हरे रंग के साफ कपड़े में बांधकर विद्यार्थी के अध्ययन कक्ष में रखें तथा प्रत्येक बुधवार उन्हें देखकर अपनी अच्छी शिक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए फिर से बांध दें। इससे एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ने में मन लगता है। पढ़ने वाले बच्चों के गले में ब्राह्मी बूटी धारण करें। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी बूटी को गले में धारण करने या सेवन करने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। शास्त्रानुसार जब आपका सूर्य स्वर यानी दायां स्वर नासिका चल रहा हो, अर्थात नाक के दाहिने हिस्से से सांस ले रहे हो, तब कठिन विषय का अध्ययन करें। इस उपाय से मुश्किल पाठ भी शीघ्र याद हो जाता है। विद्यार्थी के कमरे में दीवार पर नीम की डाली लगानी चाहिए। इससे कमरे में शुद्ध हवा के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बना रहता है। भगवान गणेश जी को हर बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाने से बच्चों में कुशाग्र बुद्धि विकसित होती है। परीक्षा में जाने से पूर्व मीठे दही पर तुलसी के पत्ते रखकर ग्रहण करके घर से निकले, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। साधारणतः मस्तिष्क का केवल 3-7% भाग ही सक्रिय हो पाता है, शेष भाग सुप्त रहता है, जिसमें अनंत ज्ञान छिपा रहता है। ऐसी विलक्षण शक्ति को जागृत करने के लिए दोनों कानों के नीचे के भाग को अंगूठे और उंगलियों से दबाकर नीचे की ओर खींचे, पूरे कान को ऊपर से नीचे करते हुए मरोड़े सुबह 4-5 मिनट, और दिन में जब भी आपको समय मिले कान के नीचे के भाग को खींचे। सिर व गर्दन के पीछे बीच में मेडुला नाड़ी होती है, इस पर उंगली से 3-4 मिनट मालिश करें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ा हुआ याद रहता है। उत्तर दिशा में मुंह करके पिरामिड की आकृति की टोपी पहनकर पढ़ाई करने से पढ़ा हुआ बहुत शीघ्र याद होता है। टोपी कागज, गत्ता या मोटे कपड़े की बनाई जा सकती है। परीक्षा के लिए घर से निकलते समय पहले दायां पैर घर से बाहर निकालें और परीक्षा कक्ष में भी पहले दायां पैर ही अंदर रखें। परीक्षा के लिए घर से जाते समय किसी भी मंदिर में 1/2 किलो दूध लेकर जाएं। ईश्वर की कृपा से आप में प्रबल आत्मविश्वास बना रहेगा। किसी शुभ मुहूर्त में लाल सुलेमानी हकीक को धारण करने से भी दिमाग तेज होता है, निर्णय लेने में बहुत आसानी रहती है। बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांधकर किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दे आए और प्रभु से अपने बच्चों की शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा लगातार 5 बृहस्पतिवार को अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके बच्चों का पढ़ाई में मन अवश्य लगने लगेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के हेतु हर गुरुवार को नियम से किसी भी गाय को पीले पेड़े अवश्य खिलाएं। विद्यार्थी को चाहिए कि वह गणेश चालीसा का पाठ करे और बुधवार को गणपति जी को बेसन के लड्डू और दुर्वा अर्पित करे। विद्यार्थी को चाहिए वह अपनी पढ़ाई की मेज या कमरे की ईशान की दीवार पर माँ सरस्वती की तस्वीर जरूर लगाएं और रोज उनसे बेहतर विद्या प्राप्ति के लिए आग्रह करें। पढ़ाई में उत्कृष्ट सफलता पाने हेतु छात्र में यह संस्कार डाले जाए कि वह सदैव अपने माता पिता, घर के अन्य बड़े बुजुर्ग के रोज चरण स्पर्श करे और अपने गुरुजनों को पूर्ण सम्मान दे। ऐसा करने से उस छात्र पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। परीक्षा देने जाते समय यदि छात्र मीठा दही या अन्य कोई भी मीठा खाकर जाए तो उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। किसी भी विद्यार्थी छात्र छात्रा को कभी भी भूल कर परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए, चाहे उसे कुछ नंबरों का नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। नकल करने पर विद्या की देवी माँ सरस्वती उसे कुपित हो जाती है और उसे लगातार पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तर भूल जाने की आदत हो, उन्हें परीक्षा में अपने पास कपूर और फिटकरी रखनी चाहिए। इससे मानसिक रूप से मजबूती बनी रहती है
और वह नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाती है। विद्यार्थियों के कमरे में यथासंभव हरे रंग के पर्दे लगवाने चाहिए, इससे एकाग्रता आती है और मन भी शांत रहता है। प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का ये मंत्र, जिसका जाप विद्यार्थियों को सुबह अवश्य करना चाहिए, ये मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अध्ययन कक्ष में भी कभी भी कोई कॉपी किताब पेन पेंसिल को खुला न रखें। अध्ययन कक्ष में कॉपी किताबों को हमेशा उनके नियत स्थान बैग या अलमारी में ही सलीके से रखें। यह जरूर ध्यान रखें कि पढ़ाई की मेज कुर्सी टूटी न हो, कॉपी किताबें फटी न हो, उन सभी पर जरा भी धूल मिट्टी न लगे। लगातार वहाँ पर साफ सफाई होती रहे। पढ़ने की मेज पर खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय पढ़ाई की टेबल पर कॉपी किताबें बंद करके खाना खाने के लिए बनाए गए स्थान पर ही खाना खाना चाहिए। हमेशा पढ़ाई प्रारंभ करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कॉपी किताब को अपने मस्तक से लगाकर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। यह प्रक्रिया पढ़ाई को समाप्त करते समय भी दोहराएं। पढ़ने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह के 4 बजे का माना जाता है। उस काल में पढ़ाई करते समय हमें कई गुना ज्यादा और तेजी से अपना पाठ याद होता है, इसलिए पढ़ने वाले छात्रों को सुबह सवेरे पढ़ाई की आदत अवश्य ही डालनी चाहिए। पढ़ते समय छात्र का मुंह सदैव ईशान कोण की तरफ ही होना चाहिए, इसलिए उसकी मेज इस तरह से हो कि उसका मुंह ईशान कोण की तरफ ही हो। विद्यार्थी को घर पर पढ़ते समय जूते मोजे नहीं पहनने चाहिए। इमली के ताजे पत्ते बृहस्पतिवार को अपनी किताबों में रखने से भी विद्यार्थी की बुद्धि तीव्र होती है। अष्ट सरस्वती यंत्र को गले में धारण करने से भी विद्यार्थी की बुद्धि का विकास होता है। मोर का पंख अपने पास रखने से विद्यार्थी का अपने स्कूल कॉलेज में सम्मान बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो भी, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद नहीं आया तो भी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।